हेलो दोस्तों, नमस्कार। करियर गुरुजी के एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और उनकी डेट क्या होनी चाहिए। देखिए, यदि हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो, 12th का सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन का हो, ये सब आपके आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास ग्रेजुएशन का नहीं है तो कॉलेज से जाकर एक प्रोफार्मा बनवा लीजिए, वो बना के दे देंगे। और कुछ यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग आई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है कि आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तारीख के बाद के घोषित परीक्षा फल, मतलब कि यदि आपने जो आवेदन पत्र में संशोधन किया होगा, जो आवेदन पत्र भरा जा रहा था, जो फॉर्म BTC का, उसमें अपने संशोधन वगैरह यदि किया होगा, तो उसके बाद के जो घोषित परीक्षा फल हैं, जो उसके बाद के रिजल्ट्स आए हैं, यदि आपका रिजल्ट जो है मतलब संशोधन के बाद आया है, तो वो मान्य नहीं होगा। मतलब आपके जो संशोधन किया था फॉर्म, उसके पहले के रिजल्ट मान्य होंगे। शैक्षिक अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नहीं होंगे। मतलब उसके बाद के शैक्षिक अंक पत्र, यदि उसके बाद के आपके पास ये सब प्रमाण पत्र वगैरह हैं, तो आपको स्वीकार्य नहीं होंगे। संशोधन के बाद के, संशोधन की डेट से पहले के आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। मतलब कि क्या, जैसे आपने संशोधन जो हो रहा था, जो आप BTC का फॉर्म भर रहे थे, उसके बाद संशोधन का फॉर्म आया था, यदि उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया है, तो वो मान्य नहीं होगा। उसके पहले आया है तो वो मान्य होगा। तो जाहिर सी बात है, सभी लोगों को पहले ही आया होगा, लेकिन बाद में जिन लोगों का आया हो, गलती से भर दिए हैं, तो उनका मान्य नहीं होगा। शैक्षिक अंक पत्र मतलब कि संशोधन के बाद यदि आपका रिजल्ट वगैरह आया है, तो वो मान्य नहीं होंगे। आरक्षण प्रमाण पत्र समय के, मतलब प्रवेश के समय स्वीकार नहीं होंगे। ये कहने का मतलब है, आरक्षण प्रमाण पत्र मतलब कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। तो यदि वो आपके आय, जात, निवास बाद में बने हुए हैं, तो उनके पेपर की कटिंग के अनुसार के कि उनको जो है आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि के बाद के घोषित परीक्षा पत्र, शैक्षिक अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नहीं होंगे। मतलब प्रवेश के समय वो नहीं लिए जाएंगे। मतलब कि आपका आय, जात, निवास पहले का भी हो तब भी चल जाएगा, लेकिन आवेदन की अंतिम तारीख तक इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र को मान्य किया जाता है। अच्छा, लेकिन आवेदन की अंतिम तारीख तक इंटरनेट से प्राप्त जो अंक पत्र है, उसको मान्य किया जाता है। डॉक्टर सिंह ने निर्देश में प्रोसीजर्स को जमा करने दिया जाकर राजकीय निजी संस्थान को पहले चरण में प्रवेश की कार्य का 31 सितंबर, 21 सितंबर तक आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। साथ ही वह प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रतिदिन वेबसाइट पर देंगे। अन्यथा प्रार्थी लेने वाले न लेने पर अभ्यर्थियों की सही सूचना न मिलने पर रिक्त सीटें जाने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। मतलब इसमें ये कहा गया है कि 21 तारीख तक जो है उनका जो है 21 तारीख तक सब कुछ कंप्लीट करनी है, प्रोसेस जो एडमिशन वगैरह की। और उसमें कहा गया है कि DLED ने कॉलेजों को ये निर्देश दिया है कि आप जो है प्रतिदिन जो है वेबसाइट पे जितने लोग आके एडमिशन ले ले रहे हैं, फीस वीस जमा करके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करके, तो रोज का रोज आपको जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, रोज के रोज वेबसाइट को अपडेट करनी है और उन स्टूडेंट्स का नाम क्लियर करना है, उनको फाइनल करना है। अन्यथा यदि आपकी सीटें रिक्त रह जाती हैं, सीटें आपके कॉलेज में छूट जाते हैं, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब कि ये कहने का इनका ये मतलब है कि यदि ये प्रतिदिन अपना वेबसाइट अपडेट नहीं करेंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनके बारे में रोज रोज नहीं बताएंगे, तो बाद में ये सीटें जब खाली होंगी, उस हिसाब से फिर से जो है उनको ये निकालेंगे अगली राउंड के काउंसलिंग के लिए। तो यदि ये नहीं करेंगे तो अगली राउंड के काउंसलिंग के लिए कैसे निकालेंगे, उन्हें कैसे पता होगा कितनी सीट खाली है कितनी नहीं। तो इसलिए कॉलेजों को ये हिदायत दी गई है कि जितने जितने स्टूडेंट्स अप्लीकेशन मतलब जो वो लेते जा रहे हैं, एडमिशन लेते जा रहे हैं, उनको रोज का रोज अपडेट कर दीजिए वेबसाइट, और जिससे हमें पता चल सके कितनी सीटें आपके यहाँ भर रही हैं, कितने खाली हैं। तो ये है आपके सब कुछ। तो जितनी सीटें खाली हैं वो 21 सितंबर के बाद पता चलेगा कि 21 सितंबर के बाद जो है कितनी सीटें खाली हैं, कितनी नहीं खाली हैं। तो ये आपको बताना था। अभी तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।